देखिए, ऑस्ट्रेलिया जो है एक तो मुश्किल टेरिटरी है पाकिस्तान के लिए, कोई शक नहीं, बट ये एक जो ब्लॉक है ना, और खास तौर पे यंग जनरेशन को तो काबू पाना चाहिए ऐसी हिस्ट्री के ऊपर, और नए दरवाजे खुलने चाहिए, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलियन जो प्लेयर्स हैं और ऑस्ट्रेलियन टैलेंट जो है ये एक्सपोज्ड है अब पाकिस्तानी प्लेयर्स के हिसाब से, क्योंकि लीग्स में खेलते हैं, वर्ल्ड कप्स में खेलते हैं, हर साल कोई ना कोई वर्ल्ड कप हो रहा होता है, आपको इनकी स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस का पता है, और ऑस्ट्रेलिया ऐसी कोई इम्पॉसिबल ये सिचुएशन नहीं थी कंडीशंस के हिसाब से, पहले तीन दिन बहुत अच्छी बैटिंग कंडीशंस जी। तो ये सिर्फ कि जी हिस्ट्री हमारे अगेंस्ट है तो इसलिए हम हार गए हैं और इसका हम कुछ कर नहीं सकते हैं, तो ये एक तो तासुर जो है ना ये ठीक नहीं बैठता है, क्योंकि ये एक यंग जनरेशन है, चाहे जितने मर्जी रूकी फास्ट बॉलिंग अटैक था या इनएक्सपीरियंस आप कह ले, मैं समझता हूँ कि जो भी आप समझते हैं 100 ओवर्स की बैटिंग के बाद दूसरी इनिंग्स में 31 ओवर्स में आउट हो जाना ये अनएक्सेप्टेबल है जी। और इसमें चाहे आप इंटेंट की बात कर ले, टेक्निक की बात कर ले, एक मेंटल ब्लॉक की बात कर ले, ओवरऑल जो एक टर्बुलेंस है उसकी वजह से मैं समझता हूँ बहुत कुछ हो रहा है। ये परफॉर्मेंस जो है ना ये आप एक तरह से मिरर है जो कि क्रिकेट बोर्ड में या सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से या जो नई टीम मैनेजमेंट आई है उसकी जो पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब चीज़ें जो है ये असरअंदाज होती है परफॉर्मेंस पे। बिल्कुल। अच्छा रमेश भाई, इसमें दो तीन चीज़ें मैं जानना चाहूँगा। हमने चले बैटिंग तो हमारी सम हाउ ये 1.5-2 साल से यही लड़के खेल रहे हैं, टेस्ट की अगर बैटिंग की बात करें, बॉलिंग में अगर हम बात करें तो चले वो ज़रा इनएक्सपीरियंस थी, बट उसमें हमने देखा कि 2-3 प्लेयर पर हम बहुत रिलाई करते हैं, जैसे शहनशाह अफरीदी का अगर देखा जाए तो पूरे टेस्ट मैच में सिर्फ 2 विकेटें ले सके, बाबर आजम पे हम बहुत रिलाई करते हैं, वो न्यूक्लियस पूरा उनके गिर्द घूमता है, तमाम उनके अगेंस्ट उनके गिर्द खेलते हैं, तो ये दोनों सीनियर प्रोस का रन्स ना करना और विकेट ना लेना ये रीज़न है, या पूर सिलेक्शन जैसे मैंने शुरू में कहा कि हमने स्पिनर को ऐड नहीं किया या एक ऑलराउंडर के साथ जा सकते थे ये रीज़न बनी? देखिए ये एक तरह से सभी जो है ना वो कसूरवार हैं, ये एक या दो प्लेयर्स के ऊपर जो है ना आप बेस नहीं कर सकते टेस्ट मैच विन, ये एक तरह से एटीट्यूड होता है, एक आपका माहौल बनता है, फिर एक आपकी एक इंटेलिजेंस जो है उसको सामने लेके आना पड़ता है, क्योंकि आपको मुश्किल क्वेश्चंस जो है ना वो इंटेलिजेंस के थ्रू कई दफ़ा जवाब देने पड़ते हैं, टैक्टिक्स के हिसाब से जवाब देने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप 120 बॉल खेल लेते हैं और आपको पता है कि आपकी इनिंग्स आगे आप नहीं धकेल रहे हैं, तो आपके पास फिर ऑप्शन बी ऑप्शन सी जो है ना वो आपके जेहन में चलता है कि एक सर्वाइवल मोड से पाकिस्तान निकला ही नहीं इस टेस्ट मैच में, ऐसे लगता था कि अभी आउट हुए, अभी चौका पड़ा, अभी पार्टनरशिप लगी, अभी ऑस्ट्रेलिया जीता, ऐसे माइंडसेट के साथ आप टेस्ट मैचेस नहीं जीत सकते हैं। हाँ मैं समझता हूँ कि बाबर आजम के लिए एक स्ट्रांग स्टेटमेंट देना जरूरी है, शाहीन अफरीदी के लिए एक स्ट्रांग स्टेटमेंट देना जरूरी है, देखिए ये दोनों लीडर्स हैं अपने अपने डिपार्टमेंट के और इनको एग्जाम्पल भी सेट करनी है। मैं समझ सकता हूँ कि बाबर आजम का इस वक्त जो ज़हनी हालात हैं वो ठीक नहीं है, आपसे कप्तानी छीन ली गई, पॉलिटिक्स हो रही है, और फिर शाहीन अफरीदी जो है वो मुझे अभी भी हाफ फिट दिख रहे हैं, तो ये जो ऐसी चीज़ों के साथ जब तक के देखिए जो आर्टिस्ट होता है ना, कोई भी किताब लिखने वाला या पेंटर, इसको सुकून का माहौल चाहिए होता है, इसको ऐसी जगह पे जाके किताब लिखते हैं जो बड़े बड़े राइटर्स हैं जहाँ पे माहौल जो है ना वो बिल्कुल जैसे कि टाइम रुक जाता है, तो जब तक कि आप ऐसा विनिंग माहौल एनवायरनमेंट नहीं देंगे क्रिकेट बोर्ड की तरफ से और इस डगआउट में, तब तक आप ब्रिलियंस ना एक्सपेक्ट करें। अच्छा रमीज भाई, हमने देखा कि एक तो पहली इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया की 10 की 10 विकेट्स हमने ले ली, बेशक वो 490 तक स्कोर ले गए, और उसके अलावा एक स्टेज ये भी थी कि जब पाकिस्तान पहले बैटिंग कर रहा था पहली इनिंग्स में, तो बाय द एंड ऑफ सेकंड डे हमारे सिर्फ 2 आउट थे, और थर्ड डे में भी इवन एक स्टेज ऐसी थी वी वर जस्ट 3 for 181। उस वक्त लग रहा था कहीं ना कहीं हम टेस्ट मैच में है, लेकिन उसके बाद से ऐसा कोलैप्स हुआ, और कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि ये कॉन्सेंट्रेशन का या टेम्परामेंट का जो एक डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के आपको कंसिस्टेंटली 4 डे खेल के आपका टीम में डेवलप होता है वो लैकिंग किया कि आपने टेस्ट क्रिकेट में तमाम सेशंस में तमाम डेज में आपने वो मोमेंटम मेंटेन रखना होता है या वो कॉन्सेंट्रेशन लेवल्स मेंटेन रखना होता है? देखो इजहार, ये जो है ना ये गेम बिटवीन द ईयर्स भी खेली जाती है, और जो अच्छी क्रिकेट टीम्स है वो 2 इनिंग्स अच्छी खेलती हैं, ये नहीं हो सकता कि एक दिन आपका बड़ा ही एक फ्लैशी ब्रिलियंस आप देख ले और उसके बाद नोज डाइव आप कर जाएं बैटिंग और बॉलिंग में फील्डिंग में।
तो ये जो टेस्ट क्रिकेट है ना, ये डिमांडिंग एक चीज है और इसके लिए ज़हनी एतबार से आपको स्ट्रेंथ चाहिए और टेक्निकल एतबार से बहुत स्ट्रेंथ चाहिए। तो ये फर्स्ट क्लास का देखें, हमारा तो मेयार ही, आप जब आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट या 80 ओवर की करा रहे हैं, मिड सीजन में रूल्स बदल रहे हैं, आपकी पिचेस अभी तक ठीक नहीं हुई हैं, और फिर आप एक्सपेक्ट करें कि आप एक हरक्यूलियन परफॉर्मेंस देंगे एक ऐसी टीम जो कि वर्ल्ड चैंपियन है, तो मैं समझता हूँ कि हम वैसे ही एक गलत फहमी का भी शिकार हो जाते हैं। हम अनफॉर्चुनेटली टेस्ट क्रिकेट में मिड टीयर की टीम है और अब हमें सर्वाइवल की गेम खेलनी है कि हम लोअर नंबर्स पे ना चले जाएं, बिकॉज मैं समझता हूँ पाकिस्तान को एडवर्टाइज करने का यही एक जरिया रह गया है थ्रू क्रिकेट, थ्रू दिस मीडियम, और अगर आप इसको सही तरह से गेम को नहीं खेलेंगे, इसको सही तरह से गवर्न नहीं करेंगे, इन्वायरमेंट एक नई चीज क्रिएट करेंगे, तो ये खराब एडवर्टाइजमेंट होगी हमारी और कुछ नहीं होगा।